Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Cooking with Ahmad Mom channel par hum aapko welcome karte hain. Aaj hum aapse bahut hi zabardast ghar par tea cake banane ki easy si recipe share karenge. Aapke ghar mein mehman aa rahe hon ya aapne sham ki chai ko enjoy karna ho to aap is tarah se tea cake ko banakar apne sham ki chai ko enjoy kar sakte hain jo bahut hi zabardast bankar ready hota hai. बिना ओवन के बहुत ही इजी तरीके से बनाकर रेडी करेंगे. इस टेस्टी से टी केक को बनाने के लिए वीडियो को एंड तक देखें. अगर वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें. शुक्रिया. इस टेस्टी से टी केक को बनाने के लिए सबसे पहले हम एक बाउल के अंदर डालेंगे 4 अंडे. अब शामिल करेंगे पीसी हुई चीनी. ये 1 कप से थोड़ी सी कम है. वज़न के हिसाब से देखा जाए तो ये 150 ग्राम चीनी है. चीनी को अंडों के अंदर शामिल कर देंगे. आधा टीस्पून डाल देंगे वनीला एसेंस. ये हमारे अंडों की स्मेल को ख़त्म करेगा. अब हम इलेक्ट्रिक बीटर से अंडों और चीनी को अच्छी तरह से बीट करेंगे. तकरीबन 5 से 7 मिनट लगेंगे. चीनी और अंडे अच्छी तरह से बीट हो जाएंगे. लाइट जाने की वजह से मुझे अंडों और चीनी को हैंड बीटर से बीट करना पड़ा. अब हम 10 से 12 मिनट हैंड बीटर से अच्छी तरह से चीनी और अंडों को बीट करेंगे. देखें 10 मिनट हो चुके हैं. मुझे अंडों और चीनी को बीट करते हुए अंडे और चीनी अच्छी तरह से बीट हो चुके हैं. अब हम डालेंगे 1/3 कप कुकिंग ऑयल. अगर वज़न के हिसाब से देखा जाए तो 80 ग्राम हम कुकिंग ऑयल डालेंगे. थोड़ा सा ऑरेंज फूड कलर डाल देंगे. इससे कलर बहुत अच्छा आएगा लेकिन टेस्ट में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा. आप चाहे तो स्किप भी कर सकते हैं. अब सारी चीज़ों को अच्छी तरह से मिला लेंगे. अब शामिल करेंगे मैदा 1 कप. वज़न के हिसाब से देखा जाए तो 150 ग्राम मैदा है. अब शामिल कर देंगे बेकिंग पाउडर 2 टीस्पून. बेकिंग पाउडर डालने के बाद अब हम हल्के हल्के हाथों से हैंड बीटर की मदद से सारी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स करेंगे. मैं टी केक बनाने की बहुत ही इजी सी रेसिपी आपसे शेयर कर रही हूँ. आप इस तरह से एक बार ज़रूर ट्राई करें. आपका टी केक बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनकर रेडी होगा. थोड़ी सी अशरफियाँ डाल देंगे और अच्छी तरह से मिक्स करेंगे. टी केक वाले मोल्ड को मैंने पहले से बटर पेपर लगा कर रेडी करके रख लिया था. अब हम टी केक वाले मोल्ड के अंदर सारा बैटर डाल देंगे. पतीले को मैंने 5 मिनट पहले प्री हीट होने के लिए रख दिया था. देखिए सारा बैटर मैंने डाल दिया. अब हम थोड़ा सा टैप टैप करेंगे और थोड़ी सी अशरफियाँ ऊपर लगा देंगे. अब टी केक को पतीले के अंदर रखेंगे. लो टू मीडियम फ्लेम पर तकरीबन 45 मिनट के लिए बेक होने के लिए रख देंगे. ऊपर अच्छी तरह से ढक्कन लगा देंगे और कोई बारी सा बर्तन रख देंगे. तकरीबन 45 मिनट हो चुके हैं. अब हम अपने केक को चेक करेंगे तो अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह से बहुत ही ज़बरदस्त केक हमारा बेक हो चुका है. अब हम इसको थोड़ा सा ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे. ये आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा ज़बरदस्त बनकर रेडी हुआ. अब हम डिश आउट करेंगे. केक को उल्टा करेंगे और ऊपर से बटर पेपर उतार लेंगे. इस तरह सारे बटर पेपर को उतार लेंगे. माशाल्लाह से बहुत ही ज़बरदस्त टेस्टी हेल्दी सा केक हमारा बनकर रेडी हो चुका है. अब टी केक की कटिंग करेंगे. आप अपनी पसंद के हिसाब से पीसेस की कटिंग कर सकते हैं. मैं जहाँ पर थोड़े मीडियम से पीसेस की कटिंग करूँगी. आप देख सकते हैं कितना ज़बरदस्त जालीदार हमारा केक बनकर रेडी हो चुका है. तो माशाल्लाह से आप देख सकते हैं कितना ज़बरदस्त लफी सा केक बनकर रेडी हो चुका है. उम्मीद है कि आपको आज की हमारी ज़बरदस्त टी केक की रेसिपी बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी. अगर पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें. इसी के साथ दें इजाज़त. अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें. दुआओं में याद रखें. अल्लाह हाफिज़.